सीक्रेट्स ऑफ कश्मीर की कड़ी में ललेश्वरी और उनके वाक, ये सीरीज से मैं आपसे संबोधित हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब हमें कुछ रहस्यों का पता चला, उनका अनावरण हुआ, तो मुकुंद तीर्थ जी का नाम, जो स्वामी मुकुंद तीर्थ जी हैं, उनका नाम पहले भी एपिसोड में आया है। और कहा जाता है कि स्वामी परमानंद जी ने सिर्फ दो लोगों को ही इनिशिएट किया था, ये एक और रहस्योद्घाटन है। तो एक एक करके मैं सब बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा, और जो रहस्य हैं वो पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और क्योंकि ललजद के बारे में है, ललेश्वरी के बारे में है, लल्ला आरिफा के बारे में है, तो ये और भी ज़रूरी होता है कि इस कड़ी से आप जुड़े रहें। इस चैनल को, मिलसार टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें, और जब भी YouTube में मेरे वीडियोस देखें तो YouTube का ही लिंक क्लिक करके YouTube देखें और अपनी राय लिखें, अपने कमेंट्स लिखें, ताकि हम ये राय बना पाएँ कि आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, या आप इसको कैसे वैल्यू करते हैं। फिलहाल तो मैं कुछ एक ऐसे वाक लद्दत के जो हैं वो सुनाना चाहूँगा। हर एक वाक उनका जो है अमृत तुल्य है, अमृत ही है। तो एक वाक और सुनाऊँगा, फिर अपने जो कलेक्शन है उसमें से आपको वाक सुनाऊँगा। तृप्ति नामन हथ करित राज दित करित तृप्ति नामन लूव्य नाजी मरना जीवंत मरतई सुई छुई ज्ञान जीवंत मरतई सुई छुई ज्ञान जीवंत मरतई सुई छुई ज्ञान। पीछे कई लोगों ने लिखा कि मैं कश्मीरी में संबोधन करता हूँ, तो इसे कृपया हिंदी में करें। तो मैं आज से इस एपिसोड के चलते मैं हिंदी में ही भाषण करूँगा, और जो कुछ भी है ये वाक तो कश्मीरी में है। किसी ने कहा था कि ये गंवारू भाषा है, गंवारू भाषा नहीं है, आम भाषा है, कश्मीर की उस समय की एक आम भाषा, और कश्मीर की आदि कवयित्री उनको कहा गया, क्योंकि उस समय इस भाषा का मतलब शायद बोलबाला बहुत रहा होगा, तो उसी भाषा में जो सबको समझ आती थी, उनका ये एड्रेस उन्होंने अपने वाक इसी भाषा में कहे और लोगों ने लिखे। तो अब आपके वाक जो कलेक्शन से मैं सुनाता आ रहा हूँ हर एपिसोड में, ये रहे। आनिपन सदरस नाइ छसलमान कति बोझ दाइम्यान मिति दीयतान आयन ताक्यन ओंजन शमान जूचुन ब्रह्मान गरगच आयस कम दिश तो कम वते गच कम दिश कव जान वत अंत दाय लगि मई तते छनिस पकस कांस तिनो सत आयस वते गयस न वते सुमन स्वच मन लू सुम दो चंदस वुचुम तुहार न हते नाय तारस दिम।
क्या वो आयस्त शोदुई त गचित शोदुई से जिस खोल में करम क्या बोतस आसस आगरई यजी वेदिस्त वेदिस करम क्या अरस नेरिन मधुर शीरई न्यर वीर्यस नेरिन शूराना मूर्खस प्रनुन छुई हस्तीस कशुन यसौ माल दांदस ललवा की इस कड़ी में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगा एक और एपिसोड लेके और बहुत ही गूढ़ रहस्य लेके। गूढ़ रहस्य तो आपका यहाँ तक पहुंच ही गया है कि ललदत्त स्वामी परमानंद तीर्थ से इनिशिएटेड थी, उनसे ही सीखा था, उनके गुरु भाई थे स्वामी मुकुंद तीर्थ, और उसी की जो शिष्य परंपरा जो आज तक भारतवर्ष में विद्यमान है, उस स्कूल में जो स्वामी विष्णु तीर्थ हुए उन्होंने अपनी पुस्तक उसमें माता ललेश्वरी का, ललदत्त का एक विस्तृत वर्णन दिया है जिसमें उनको जीवित बताया गया है, आज भी जीवित हैं। क्योंकि जब ललदत्त ने अंतिम लीला की थी जिसमें उन्होंने स्वयं को दो मिट्टी के पात्रों से ढक के एक में खड़ी हुई, एक में एक सर पर रखा और नीचे जो पांव में जहां खड़ी हुई उसमें पानी भरा था, और कुछ ही अंतराल बाद वो दोनों पात्र जुड़ गए, आश्चर्यवश लोगों ने जब देखा तो वहां कोई नहीं था, तो ललदत्त अदृश्य हुई थी, उनकी देह जो है वहां से ओझल हुई थी। तो मठ और जो संत परंपरा है उनका मानना है कि लल आज भी जीवित है और समाधि में है। धन्यवाद। अही और जू सरी असिन बजा, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।